नमस्कार मु सुरेंद्र कुमार दास कैरियर कंसल्टेंट इलेक्ट्रिकल कोच आज आपण मानक आम नुआ लेसन को स्वागत करुच। आज आम डिस्कस करवा पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इन सीरीज सर्किट। आम जानते सीरीज सर्किट हूँ एमती गोटे सर्किट जो थे पाथ ऑफ करंट इज ओनली वन बट वोल्टेज इज डिवाइडेड करंट से सेम रहे वोल्टेज किंतु डिवाइड हुए आउ रेजिस्टेंस आड हुए पावर आड हुए किंतु ये आम जानवा जे वोल्टेज उपर जो जगह वोल्टेज डिवाइड होल्टेज को लेकर आम पोटेंशियल मीन प्रेशर प्रेशर मीन वोल्टेज से वोल्टेज जो डिवाइड हो मेथड को आम के यूटिलाइज करूँ से विषय आम देखा राइट। देखु सपोज देखो ये आम चारिटा रेजिस्टेंस सीरीज रे सपोज दिस इज आर वन दिस इज आर टू दिस इज आर थ्री दिस इज आर फोर सपोज ये करंट फ्लो हो आई देखो ये जब करंट आई फ्लो हुए ये वोल्टेज ड्रॉप के आई आर वन ये वोल्टेज ड्रॉप हम कहते आई आर टू ये वोल्टेज ड्रॉप हम आई आर थ्री ये वोल्टेज ड्रॉप हम आई आर फोर कहीं करंट आम सेम रहे जदि करंट सेम रहे आम जब चाहूँ आई वन आन रेक वोल्टेज ड्रप हो वोल्टेज को आम यूटिलाइज करवा कौन काम तेल आम कौन कर जगार आम वोल्टेज को नहीं पार रईट तेनाली पोटेनसीआल को आम डिड कर पारे तेनाली वोल्टेज केमी है दिस् वोल्टेज इज अल्सो फाउंड इन दिस् टर्मिनाल ये जी वोल्टेज मिलूँ आम यही टर्मिनाल से वोल्टेज पाइपर तो प्राक्टिकाली आम जब उदाहरण ना देखते कमी कर देखु दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव सपोज एटी आमर करंट पास करुची 5 एम्पीयर एटी रेजिस्टेंस वैल्यू हूँ 10 ओम एटी मन करूँ 8 ओम एटी मन करूँ 6 ओम एटी मन करूँ 3 ओम देखु ये करंट पास करुच्छे 5 ओम सो एटी जब करंट आम 5 ओम ए सॉरी 5 एम्पीयर पास करुच्छे कि रेजिस्टर देखते ए रेजिस्टर ए रेजिस्टर ए रेजिस्टर ए रेजिस्टर सब सीरीज अच्छे सीरीज में करंटा भी सेम हम सो एटी भी 5 एम्पीयर एटी भी 5 एम्पीयर एटी भी 5 सो रिटर्न भी कर सोर्स को 5 एम्पीयर करंट आसुच्छे 5 एम्पीयर रिटर्न भी कर 5 एम्पीयर बट एटी के वोल्टेज ड्रॉप हम देखो ये 5 × 10 दैट इज 50 वोल्ट एटी के 5 × 8 दैट इज 40 वोल्ट एटी 5 × 6 दैट इज 30 वोल्ट एटी 5 × 3 दैट इज 15 वोल्ट तेणु ये रेजिस्टर तेरे मन करूँ मोर गोटे बल्ब लगे बार अच्छे दैट इज द 30 वोल्ट ताले कौ जगह लगे मन करूँ 30 वोल्ट ताले ए आक्रस रे एटी मुझे जो बल्ब लगे देवी बल्ब 100% फुल ग्लो कर आवेलेबल हो 30 वोल्ट राइट 50 वोल्ट अच्छे ताले ए जगह मुझे लगे देवी बल्बटा फुल ग्लो कर राइट। देखु ये कौन हो करेन्ट को जानी बोली रेजिस्टेंस को जानी बोली वोल्टेज ड्रॉप को बाहरी कर करेन्ट व्हेन करेन्ट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस देन हियर वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड जब करेन्ट जब गोटे रेजिस्टेंस रे पास करे ये कौन ड्रॉप हुए वोल्टेज ड्रॉप जहाँ को आम आईआर ड्रॉप बोली कहते हैं किंतु वर्तमान क्वेश्चन आसुच्छे जदि करंट वैल्यू को मुझे जानी न था बट वोल्टेज वैल्यू आम पाखे थाए ताले इंडिविजुअल वोल्टेज वैल्यू केमी जानी से पोटेंशियल डिवाइडर मेथड रे हम बाहर कर पारिबा तेणु से ही मेथडटा केमी कैलकुलेशन करा जाउछि देखो सपोज ये गोटे आम सेल लगी मन करूँ यहाँ हूँ 24 वोल्ट सेल अच्छे ये देखु रेजिस्टेंस वैल्यू मन करूँ 1 ओम 2 ओम 5 ओम 4 ओम सपोज 1 ओम 2 ओम 5 ओम 4 ओम अच्छे सपोज ए ओम रे बा 1 ओम आक्रस रे मोर केते वोल्टेज ड्रॉप हबो विदाउट कैलकुलेटिंग द करंट करंट को न बाहर करी करी
मुझे टोटल वोल्टेज को पाइबा को इंडिविजुअल वोल्टेज को पाइबार अछि ए पोटेंशियल डिवाइडेड मेथड को यूज करिया को पड़ी से इंडिविजुअल मेथड हो छि कोन मन करू तो ए अक्रॉस रे मोर वोल्टेज रे वैल्यू केते अछि मोर जानिबार अछि दिस वोल्टेज मुझे करंट बाहर करबे तो ऑटोमेटिक बाहर करबे जोटा कि मु देखि किंतु जदि मो टोटल वोल्टेज अछि बट एही वोल्टेज को पाइबा को अछि एटी पोटेंशियल डिवाइडर गोटे मेथड कहू छी से मोर मेथड कोन सपोज एटा हो जे हमर कोन आर1 सपोज आप मु एही रेजिस्टेंस को आर1 कहली एटा को मु कहली आर2 कहली एटी मन कोन आर3 कहली एटा को आर4 कहली एटा को मन कोन टोटल वोल्टेज बोली कहली दिस इज वी दिस आर1 आर2 आर3 आर पर अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस वी आर1 सो दिस वोल्टेज विल बी वी आर1 तो ये वोल्टेज जो पाइबार अच्छे तो मुझे कौन करी देख तार फॉर्मूला हूँ वी आर वन इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज वी इन टू रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज आर वन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर सो दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर मेथड बाय व्हिच द इंडिविजुअल वोल्टेज जो थे कि इंडिविजुअल वोल्टेज वी आर वन को पाइपरि तेरे ये केस वोल्टेज भैल्यू के देखो ताले वि आर वन जगार मुझे लिखिपरि वि वन दैट इज वि है के 24 वोल्ट इन टू आर वन रैल्यू के वन डिवाइड बाय टोटल है वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस फोर तेल देखु यहाँ है के 24 इंटु वन बै ट्वेल्व दैट इज टू वोल्ट सो ये आम जो वोल्टेज मिलूँ दैट इज टू वोल्ट दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर मेथड देखु यही जो मेथडा यूज हो इनडायरेक्टली से करंट को ही प्रेस्क्राइब करूँ यही केस करंट को प्रेस्क्राइब कर देखु आम करेंटर भैल्यू कौन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाय आर करंट रे वैल्यू कौन माने दैट इज द टोटल करंट को ए भले लिख पर आई आई टी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस तो ये टोटल करंट जहां पास करू छी बा सोर्स रु जो बाहर छी एटा हो छी टोटल करंट सही करंट आई 1 संग समान आई 2 संग समान आई 3 संग समान आई 4 संग समान सीरीज सर्किट रे तो देखो तो एटी आई टी रा वैल्यू जा आई 1 आई 2 आई 3 आई 4 रो मध्ये सेम सो आई टी इज इक्वल टू वी टी डिवाइड बाय आर टी वी टी हो छी की दिस इज द वी राइट आर टी माने कौन एटि मु लेखि परबि वी टी हला वी आर टी हला के ना देखो तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज हमर सीरीज सर्किट रे टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाए तो टोटल रेजिस्टेंस कौन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर ताल एटा हम कौन आई टी बाको आम कहीपर आई बोली कहींपर देखो ये ना मुझे कौन करी इंटू आर वन डिवाइड बाय एति तमें इनडायरेक्टली मुझे जब लिखी देखो ये जगह को मुझे लिखुची ये जगह मुझे लिखुची देखु भि बाय भि आर वन इज इक्वल टू भि बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर इन टू आर वन तेल देखु भि बाय दिस एटा कौन आई नुहे कि आई इन टू आर वन करा जाए कि ना कहीं आई इज इक्वल टू भि बाय दिस तो यहाँ जब मुझे पुट करदेवि दिस इज आई आर वन सो इनडायरेक्टली करंट को ही कहुई बट दिस मेथड इज नथिंग बट अनदर मेथड इट इज ए मॉडिफाइड मेथड जहाँ को पोटेंशियल डिवाइडर मेथड कहते तो आप भाव में जेको वोल्टेज को पाइपर जब कहे आप आर थ्री रैल्यू के पाइबे ये कौन लिखे ना भि आर थ्री दैट इज भि इंटु आर थ्री डिवाइड बाय टोटल तेनाली तो भाव में आप टोटल भैल्यू जेकोसी भैल्यू रेजिस्टेंस रे केते वोल्टेज ड्रॉप हो आप आराम से विदाउट कैलकुलेटिंग द करंट आप जापर यही मेथड को आम कौन पोटेंशियल डिवाइडेड मेथड तेणु आपण मानक मुझे रिक्वेस्ट करा चाहिए जदि आपण मानक भिडियो भल लगी कई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ थैंक यू।